लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। सो आई थिंक नसीम और मोहन आप दोनों ने प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरेस्ट शो किया था। सो कुछ भी डाउट होता है ना तो क्लियर कर लेना, साथ के साथ आप पूछ सकते हो एंड वट एवर द डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क मी। तो क्लियर कर दूँ, सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा राइट? जब भी क्लासेस खत्म होंगी आज या फिर कल के बाद आपको सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स। द प्रोजेक्ट इज़ फॉर योर ओन लर्निंग, कि अगर आप प्रोजेक्ट को अच्छे से करते हो एंड उसको गिटहब पे डालते हो तो वो आपके लिए अच्छा होता है राइट? कि जॉब्स वगैरह के लिए भी अच्छा होता है एंड इट शोज़ दैट यू हैव एक्चुअली लर्न समथिंग एंड यू हैव बिल्ड समथिंग राइट। सो फॉर दैट प्रोजेक्ट्स में ना हम लोग दो टाइप्स की टूल्स वगैरह हम बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स दो टाइप्स के हम बना सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ कि आप कोई रैपर टूल लिख सकते हो। तो जैसे हमने देखा है कि अलग अलग टूल्स होते हैं राइट, एन मैप हो गया या फिर आपका हाइड्रा हो गया। सो ये अलग अलग टूल्स अलग अलग पर्पस को सॉल्व करती है। सो अगर मुझे एक ऐसा टूल बनाना हो जो इन तीनों को इंटीग्रेट करके फिर काम करने में हेल्प करे ना, सो दोज आर कॉल्ड रैपर टूल्स। उनमें क्या होता है कि आपने सपोज आपने एक पाइथन की टूल बनाई है जिसमें क्या होगा कि फर्स्टली वो एक नेटवर्क को स्कैन करेगा एंड नेटवर्क स्कैन से अगर कुछ ओपन पोर्ट्स मिलते हैं सो उनको यूज़ करके फिर उन पोर्ट्स पे जाके क्या सर्विसेज रन हो रही है उसको फाइंड आउट करेगा। एंड आफ्टर दैट उस सर्विस पे सपोज SSH रन हो रहा है तो वहाँ पे वो हाइड्रा यूज़ करके डिक्शनरी अटैक करेगा एंड पासवर्ड्स ला के देगा। सो इस तरीके से क्या होगा, एक पूरा वर्क फ्लो रन हो जाएगा और बेसिकली जो एग्जिस्टिंग टूल्स हैं आप उन्हीं को यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप अपना उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है कि आप उनको एक सीमलेस वे में इंटीग्रेट कर रहे हो राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन डू। सो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि गिटहब पे ऑलरेडी अवेलेबल है राइट। सो यू कैन गो हियर एंड यू कैन सी दैट इट इज़ कम्प्लीटली रीराइट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो यू कैन गो एंड रीड दैट एज वेल। द आइडिया इज़ ये प्रोजेक्ट क्या करता है, ये भी एक पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ फॉर ऑडिटिंग द वायरलेस नेटवर्क्स। वायरलेस नेटवर्क्स में ऑडिट करने के लिए ये यूज़ होता है एंड इट इज़ डिजाइन टू यूज़ ऑल द नोन मेथड्स जो कि अवेलेबल है टू रिट्राइव द पासवर्ड ऑफ द नेटवर्क। ये पासवर्ड अगर मुझे क्रैक करना है किसी वायरलेस एक्सेस पॉइंट या राउटर को, जैसे हमने पाकू यूज़ किया था राइट, सो उस चीज़ के लिए एक टूल लिखा हुआ है राइट यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट है कि क्या क्या टूल्स है इसके लिए वो लिखा हुआ है राइट। एयरक्रैक एन जी यूज़ करता है ये, IF कॉन्फिग, IW कॉन्फिग, दीज आर द डिफरेंट टूल्स दैट इट यूजेस। एंड उसके ऊपर ये कुछ अदर ऑप्शनल टूल्स भी है जो यहाँ पे मेंशन है एंड यहाँ पे फिर मेंशन है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव दिस वाईफाई फिशर एंड यू कैन गो डाउन और आप देख सकते हो कि ये क्या करता है राइट। सो इट इज़ अ रोग एक्सेस पॉइंट फ्रेमवर्क जो यूज़ करेगा रेड टीमिंग एंगेजमेंट्स के लिए या फिर वाईफाई सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। सो इसके बारे में भी आप यहाँ पे जाके और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि क्या स्टेप्स है, कैसे आप कर सकते हो राइट। सो ऑल दोज थिंग्स आर मैंशनड हियर। सो जो नेक्स्ट आ जाता है कि आप कुछ कस्टम टूल्स बिल्ड कर रहे हो, जैसे कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एन मैप राइट, कि एन मैप क्या करता है, वो स्कैन करता है नेटवर्क्स को एंड कुछ पैकेट्स भेजता है एंड फिर उस पैकेट्स के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करके वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से सर्विसेज ओपन है एंड ऑल दैट राइट। सो ये सब चीज़ें आप खुद से भी बाई फ्रॉम स्क्रैच आप कर सकते हो। सो आई एम नॉट सेइंग कि पूरा जो एक कंप्लीट जो प्रोडक्ट्स है जो अवेलेबल है जो टूल्स है उनकी तरह पूरा ही बन जाएगा एक बार में। यू कैन ट्राई टू बिल्ड द बेसिक फंक्शनैलिटीज फर्स्ट एंड फिर उसके ऊपर आप धीरे धीरे जितना हो सके आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। सो ये हो गया आपके कस्टम टूल्स। ये स्लाइटली डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द रैपर टूल्स क्योंकि यहाँ पे आपको कोर फंक्शनैलिटीज भी खुद लिखना पड़ता है। सो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे अवेलेबल राइट। सो ये क्रॉस राइट स्क्रिप्टर है जो कि एक ऑटोमेटिक फ्रेमवर्क है जो कि डिटेक्ट करेगा और एक्सप्लॉइट करने के बाद रिपोर्ट भी करेगा कोई भी एक्सेसेस वल्नरेबिलिटीज अगर प्रेजेंट है किसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन में राइट। सो यहाँ पे अटैकिंग वेक्टर्स आप मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स लाइक राइट। सो ये भी पाइथन बेस्ड टूल्स है, ये सब हम जो देख रहे हैं ये पाइथन बेस्ड टूल्स हैं। सिंस हमने पाइथन ऑलरेडी पढ़ा है कल कि एथिकल हैकिंग में हम कैसे पाइथन यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं अलग अलग राइट। एंड सो दिस इज़ द टूल दैट इज ऑल्सो रिटन इन पाइथन राइट, दिस इज पाकू एंड वी हैव ऑल्सो यूज इट। सो जब हम AWS में एक्सप्लॉयटेशन रन कर रहे थे कि पता कर रहे थे कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, क्या क्या मिसकन्फिगरेशन है, तो उस टाइम पे हमने पाकू यूज़ किया था। सो दीज आर द बेसिक टू आइडियाज़ कि आप इन दोनों टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आपको बनाना है। सबसे पहले जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा है कि हम एक रैपर टूल क्रिएट करें जो कि जो एग्जिस्टिंग टूल्स हैं उनको यूज़ करके कुछ बनाएं, कुछ में एक फ्रेमवर्क टाइप का दें हमें। एंड दिस नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि हम लोग अपना खुद का एक कस्टम टूल क्रिएट करें।
सो अभी बात करते हैं कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ टूल है कि अगर हम मुझे एक रैपर बनाना है तो उसमें क्या करना है, हमें हमें करना है क्या है कि हमें ऑटोमेट करना है एनमैप हाइड्रा एंड जैप के फंक्शनैलिटीज़ को. सो एनमैप क्या करता है, एनमैप हमें हेल्प करता है कि फाइंड आउट करने के लिए कौन से होस्ट अप है, कौन से सर्विसेज उसमें रन हो रहा है, राइट, कौन से पोर्ट्स अप है, वो उन चीज़ों को हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. हाइड्रा यूज़ करके हम डिक्शनरी अटैक्स कर रहे होते हैं, जिससे कि हम पासवर्ड ब्रूट फोर्स करके पासवर्ड्स या फिर क्रेडेंशियल्स हम निकाल रहे होते हैं. एंड देन जैप इज़ यूज टू स्कैन फॉर वल्नरेबिलिटीज इन वेब एप्लीकेशंस, राइट. सो सपोज एक ऐसा टूल हम बनाते हैं जहाँ पे हमें क्या होगा कि हमें एक नेटवर्क मिल जाएगा, राइट, कि हमें एक आईपी एड्रेस मिल गया है एंड एक यूज़र नेम मुझे दिया गया है, राइट. तो उन दोनों चीज़ों को मैंने इनपुट लिया, पहले मैंने आईपी एड्रेस के ऊपर मैंने एनमैप से स्कैन मारा एंड वहाँ से मैंने को जो पोर्ट्स ओपन है वो दिया एंड वहाँ से अभी के लिए कुछ कॉमन पोर्ट्स जैसे कि 22, 21, 23 एंड 80. सो 22 इज़ फॉर SSH, देन 21 इज़ फॉर FTP, 23 इज़ द पोर्ट फॉर टेलनेट और फिर 80 पे HTTP सर्विस रन होता है, राइट. सो इन पोर्ट को जब वो फाइंड करता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पोर्ट है उसके बेसिस पे वो आइदर हाइड्रा यूज़ करेगा टू ब्रूट फोर्स एंड फाइंड आउट द क्रेडेंशियल्स. सो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि यूज़र से वर्ड लिस्ट ले सकते हो कि यूज़र एक पासवर्ड लिस्ट प्रोवाइड करे, उसका पाथ प्रोवाइड कर देगा. अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास एक प्री बिल्ट आप वर्ड लिस्ट रख सकते हो जो कि काफ़ी बड़ा होगा एंड उसको यूज़ करके फिर आप हाइड्रा के साथ उसको ब्रूट फोर्स करते हो एंड फाइनली यू ट्राई टू फाइंड आउट द पासवर्ड. फिर अगर पोर्ट 80 है, कोई वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है, सो इन दैट केस जैप की ना APIs होती है जिनको यूज़ करके आप जैप को कॉल कर सकते हो, जैप के थ्रू आप स्कैन करवा सकते हो. सो उन APIs को यूज़ करके आप जैप में स्कैन करवा रहे हो अपने वेबसाइट जो वेब एप्लीकेशन चल रही है एंड फिर उसकी vulnerabilities वगैरह आप देख सकते हो, राइट, कि क्या है एंड देन यू कैन ऑल्सो गो ahead एंड ट्राई टू exploit those things. सो इस टाइप का टूल बनेगा जब आप ऑटोमेट करने जाओगे इन पर्टिकुलर तीन एग्जिस्टिंग टूल्स को. सो दिस विल बी योर फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. जो पहला टारगेट है आपको ये चीज़ बिल्ड करनी है, राइट, यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट दिस प्रोजेक्ट. तो आपको क्लियर है अभी तक ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने डिस्कस किया फॉर अ रैपर टूल? ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट पे. सो नेक्स्ट क्या है ना कि हमें अपना कस्टम टूल बना रहे होंगे. सो पिछले वाले टूल में हमने जो भी फंक्शनैलिटीज डिस्कस किया है ना कि एक आईपी एड्रेस के ऊपर आपने स्कैन्स किया कि कौन से पोर्ट नंबर्स एक्टिव है, अवेलेबल है, राइट, एंड उसके बाद आप हाइड्रा से ब्रूट फोर्स किया, तो ये सब चीज़ें ना हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं. हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा कि अगर हमें पैकेट्स स्निफ करनी है या फिर पैकेट्स क्रिएट करके आपको सेंड करना है तो उसके लिए आपके पास स्केपी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, राइट. उसके बाद अगर आपको ब्रूट फोर्स करना है तो दैट कैन ऑल्सो बी डन. ओके, यू कैन नॉट डू इट वेरी एफिशियंटली एट स्टार्ट, बट ठीक है, एट अ बेसिक लेवल यू कैन मेक इट वर्क, राइट. तो वहाँ से आपका ब्रूट फोर्सिंग हो गया एंड देन आप वेब एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए कुछ ट्राई कर सकते हो. अदरवाइज अभी के लिए आप बस इतना ही कर सकते हो कि जो SSH है या फिर जो टेलनेट सर्वर्स हैं उन पे आप ब्रूट फोर्स करके आप उनसे कुछ फाइलें अगर प्रेजेंट है तो उन फाइलों को आप निकाल सकते हो, राइट. सो इन दैट वे यू कैन वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर टूल्स कि आप पैरामिको लाइब्रेरी आपने ऑलरेडी यूज़ करा है एंड देन यू हैव ऑल्सो यूज द अदर लाइब्रेरी कॉल PExpect. सो इन लाइब्रेरीज को यूज़ करके आप इस टूल को भी बना सकते हो फॉर द बेसिक फंक्शनैलिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हो सकती है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. एंड वंस यू हैव डन यू कैन ऑल्सो डू मेक पाइथन जनरेटर रिपोर्ट. जैसे हमने कुछ टूल्स में देखा था, राइट, कि वो एक HTML पेज बना देता है जहाँ पे बहुत अच्छे वे में सब डिटेल्स रहते हैं कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट हुआ है या क्या क्या फाइंड आउट फाइंडिंग्स है वहाँ पे. तो उस पूरी चीज़ का आप एक डिटेल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो यूजिंग पाइथन. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू. हैव ऑल्सो मैंशन द फ्यू ऑफ द लाइब्रेरीज दैट यू कैन यूज एंड ये सब लाइब्रेरीज हमने ऑलरेडी क्लास में करा हुआ है लास्ट क्लास में. सो दिस वॉज अबाउट द कस्टम टूल दैट यू कैन बिल्ड. सो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा कि हम ये रैपर टूल बिल्ड करें पहले, इसको फिनिश करके इसको गिटहब पे पब्लिश करना एंड उसके बाद आप दूसरे वाले टूल पे ट्राई कर सकते हो. सो क्लियर है कि करना क्या है प्रोजेक्ट में? मोहन, इज इट क्लियर? कहाँ कहाँ पे डाउट है? कस्टम पे? ओके,
सो जैसे कल हमने किया था ना, हमने क्या किया था कल कि हमने SSH पे ब्रूट फोर्स ट्राई किया था एंड पासवर्ड निकाला था हमने. FTP सर्वर पे हमने ब्रूट फोर्स किया था. ऑल दैट वी डिड यूजिंग पाइथन, राइट. सो ऐसी, और फिर स्केपी यूज करके हमने देखा था कि DNS के पैकेट से हम कैसे IP एड्रेस और होस्ट नेम्स का मैपिंग निकाल सकते हैं. सो दीज आर द लाइब्रेरीज, यू कैन यूज दीज लाइब्रेरीज टू डू ऑल दिस थिंग्स, राइट. कि आप एक सिंक में एक अपना पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हो, एक स्क्रिप्ट रन हो रही होगी जो कि क्या करेगा, सबसे पहले वो स्केपी यूज करके फाइंड आउट करेगा कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, उनमें रिक्वेस्ट करेगा पैकेट्स वगैरह सेंड करके. उसके बाद जो पोर्ट्स ओपन है उसको पता चलेगा, उसके बाद वो क्या करेगा वहाँ पे, वो पैरामिको यूज़ करके या फिर पी एक्सपेक्ट यूज़ करके आप ब्रूट फोर्स वगैरह कर सकते हो. एक बार ब्रूट फोर्स करके आपने लॉग इन कर लिया है उस टारगेट सर्वर पे, उसके बाद आप वहाँ से डिटेल्स निकाल सकते हो, राइट. ऑल दैट यू कैन स्टोर. और फिर पाइथन में कुछ और भी लाइब्रेरीज होती है जिनको यूज़ करके आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, जिनको आप PDF फॉर्म में सेव करवा सकते हो या फिर आप CSV फाइल में सेव करवा सकते हो. तो ये बहुत ईजी लाइब्रेरीज होती है, आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हो, राइट. एंड उस तरीके से आप इसको फिर बिल्ड कर सकते हो. सो दिस इज द आइडिया ऑफ मेकिंग द कस्टम टूल. ओके. और एग्जाम्पल के लिए हमने आपको दो रिपोजिटरीज भी दिया है जहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे वो टूल्स वर्क कर रहे हैं, क्या क्या डाला है वहाँ पे. एंड एक बार आपने टूल बना लिया ना, तो उसके बाद आप उसको गिटहब पे पब्लिश करना, राइट. जस्ट अ मिनट. या सो जैसे अगर आपने एक बार टूल बना लिया, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तो उसके बाद आपको उसको गिटहब में आप डालना, उसको आप यू हैव टू वंस यू हैव डन द टूल, उसके बाद फिर उसको अच्छे से आप एक गिटहब रिपोजिटरी में डालो जहाँ पे आप सबसे पहले तो क्रिएट अ पब्लिक रिपोजिटरी ताकि लोग उसको यूज़ कर पाए, देख पाए, राइट. तो इस तरीके से आप उसको ओपन सोर्स भी रख सकते हो. एंड वहाँ पे आप आपका जो टूल है, सबसे पहले तो उस टूल में आप इस तरीके से ASCII आर्ट्स भी देख सकते हो, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू वन. तो कभी कभी हम कुछ टूल्स जैसे हमने यूज़ भी किया था अभी तक, राइट. सो उनमें हमने देखा था कि इस तरीके से जैसे उबंटू लिखा हुआ आ रहा है, राइट. सो दीज आर ऑल नोन एज एसकी आर्ट्स. सो आपने एक बार टूल बना लिया तो उसके बाद आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो कि वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट टाइप का लगे, राइट. एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बने, फिर वहाँ पे वो यूज़र के लिए अच्छा होता है. एक थोड़ा बहुत आपने जो कभी किसी टूल में अगर आप यूज़र इनपुट ले रहे हो तो वहाँ पे आप उस चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो कि वो ईजी हो यूज़ करने में, राइट. एंड उसके बाद आपने जब रिपोजिटरी में डाला तो हम देख सकते हैं कि रिपोजिटरी में जो ये रीडमी फाइल्स होती है ना, किसी भी गिटहब रिपोजिटरी को जब आप जाते हो तो आप देखते हो वहाँ पे रीडमी फाइल होती है. वहीं से हमें पता चलता है, राइट, कि ये टूल क्या है, क्या करता है, राइट, एंड कैसे वर्क करता है. सो आप उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि कैसे फर्स्टली कैसे इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉलेशन है यहाँ पे. जैसे अगर आप एक रैपर टूल लिख रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा जो कि आपकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा करेक्टली, राइट. एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, राइट, कि ये क्या करता है. आपको अगर किसी को यूज़ करना है आपका टूल तो वो कैसे यूज़ करेगा, तो आपको एक डिटेल वे में आपको ऐसे रीडमी लिखना है. एंड वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स अटैच कर सकते हो आपके टूल के, कि वन इट इज़ वर्किंग, हाउ, ऑल द स्क्रीनशॉट्स, या फिर छोटे छोटे गिफ्ट्स आप जनरेट कर सकते हो क्लिप्स से, राइट. दैट यू कैन डू. उसके बाद आप गैदर कर सकते हो कि आपने एक बार रिपोजिटरी पब्लिश कर दी तो उसके बाद ट्राई करो कि उसमें कुछ फोर्क्स आए, कुछ स्टार्स आए, राइट. कि अगर आपका टूल अच्छा है तो आप उसको शेयर वगैरह कर सकते हो. एंड उसके बाद फिर उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप जो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, राइट, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो इस तरीके का प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है जहाँ पर रीडमी वगैरह में क्लियरली मैंशनड है कि क्या करता है ये प्रोजेक्ट, कैसे वर्क करता है, एंड इफ़ इट हैज़ सम स्टार्स एंड फोर्क्स ऑन योर रिपोजिटरी, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है, राइट. कि इंटरव्यूअर को एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट ऐसा बनाया है जो लोगों ने एक्चुअली में यूज़ भी किया है एंड पीपल लाइक इट. सो आप वो सब चीज़ें कर सकते हो. एंड अगर आप उसको ओपन सोर्स रखना चाहते हो, सो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो गेट ट्राई टू गेट एन अप्रोप्रिएट लाइसेंस फॉर इट. आप गिटहब में बहुत ईजिली लाइसेंस ऐड कर सकते हो, राइट. एंड ये भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, लाइक यू कैन गेट MIT लाइसेंस इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट ओपन सोर्स. फिर अदर पीपल कैन ऑल्सो कम एंड कोलेबरेट ऑन योर कोड, राइट. सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो वंस यू आर डन विद अ प्रोजेक्ट. सो मैं कहूँगा कि पहले आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, राइट, जो फर्स्ट वाला है. फर्स्ट यू ट्राई टू क्रिएट दिस रैपर टूल. एंड वंस यू डन विद दिस, उसके बाद अपने रिपोजिटरी को कंप्लीट करो, उसमें रीडमी वगैरह ऐड करो, स्क्रीन शॉट्स एंड डेमोज एंड एवरी थिंग. एंड वंस दैट इज डन, देन यू कैन मूव टू द सेकेंड टूल, और फिर आप सेकेंड टूल को भी क्रिएट कर सकते हो. सो दिस वॉज अबाउट द प्रोजेक्ट्स. एनी डाउट्स और एनी थिंग दैट इज नॉट क्लियर येट? थैंक्स सर.
हाँ मतलब ये आपके लर्निंग के लिए है राइट। सो आप पहले तो टारगेट करो कि जो फर्स्ट वाला है उसको कंप्लीट करो, एंड उसके बाद अगर आपसे हो रहा है, आप इंटरेस्टेड हो, तो फिर आप सेकंड वाले को भी कर सकते हो। बिकॉज अगर आप दोनों ही बनाते हो ना, तो फिर वो आपके लिए भी अच्छा होता है कि अगर आप जॉब इंटरव्यूज में जाते हो तो दोनों टाइप दो प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज बेटर राइट, कि अगर वो क्वालिटी है उस हिसाब से तो। ओके सो अगर और कोई डाउट नहीं है तो फिर लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक्स फॉर टुडेज क्लास। सो शैल आई स्टार्ट? ओके ओके फाइन। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास इज दैट व्हाट इज सीरियलाइजेशन, कि सीरियलाइजेशन क्या होता है, बिकॉज उसके बाद में पता चलेगा कि जो इनसिक्योर डी सीरियलाइजेशन की वल्नरेबिलिटी हमने लिखा है राइट, हमने कॉन्टेंट्स में चेक करा था, वो क्या होता है वो हमें वहाँ से पता चलेगा। सो द फर्स्ट टॉपिक इज सीरियलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में जो डेटा को हम रखते हैं राइट, जब हम कोड कर रहे होते हैं, हम एरेज बना रहे होते हैं, डिक्शनरीज ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, सो उन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को अगर मुझे एक सिंपल वे में अगर मुझे स्टोर करना है जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरी इफिशियंट हो और जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो कंप्यूटर्स के मेमोरीज के लिए, लाइक फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन जो एफिशिएंट हो, उसको हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में हम इसको स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी वी हैव दिस ऑब्जेक्ट राइट, एंड इट कैन बी एनीथिंग, से जस्ट अ मिनट, से इट इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच लुक्स लाइक दिस एंड इट हैज की एंड देन वैल्यू राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एक की वन है जिसमें एक और ऑब्जेक्ट एडेड है। सो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। अभी इसको अगर मुझे एफिशिएंट वे में स्टोर करना है या फिर सेंड करना है, तो आई वांट कि ये एक स्ट्रेट एक सिंगल ऐसा ऐसे में रहे राइट, दैट इट इज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स राइट। तो उस फॉर्म में अगर करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीरियलाइजेशन। इसको हम ये भी कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ डेटा राइट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये एक फ्लैट सिंगल लाइन में हम हमारा पूरा डेटा आ जाता है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जो कि फिक्स रहता है राइट, एंड इट इज़ ईजियर टू ट्रांसमिट एंड स्टोर द डेटा इन दिस फॉर्म। एंड सीरियलाइजेशन क्या करता है कि जो भी आप स्टोर कर रहे हो किसी कॉम्प्लेक्स डेटा को, उसको वो सिंपल उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है कि कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू स्टोरिंग अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स राइट, क्योंकि मेमोरी में हमने देखा है कि कंटिन्यूस होता है मेमोरी एंड ऑल दैट। एंड आफ्टर दैट ट्रांसमिटिंग ऑफ द डेटा, डेटा जब भी सेंड होता है ना, इवन इन द वेब एप्लीकेशन वेन यू सेंड डेटा, यू सेंड इट एज आइदर जेसॉन्स और यू सेंड इट एज एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स राइट। क्यों? क्योंकि उनमें डेटा को सेंड करना ईजी होता है, वो कम स्पेस खाता है राइट, बिकॉज हम डेटा को पैकेट्स में सेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम वन सर्वर टू द क्लाइंट। सो जितना ज़्यादा शॉर्ट रहेगा, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि नीडेड नहीं है कंप्यूटर के लिए, वो अगर हम भेज देंगे तो वो सही रहता है। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ सीरियलाइजेशन, कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको मैं कैसे फ्लैटन करके एक सिंगल बाइट स्ट्रीम में मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। नाउ कम्स डी सीरियलाइजेशन। सो डी सीरियलाइजेशन क्या है? सीरियलाइजेशन का उल्टा, दैट मीन्स कि अगर आपको वो बाइट स्ट्रीम से एक मीनिंगफुल डेटा निकालना है, सपोज फॉर इन द एग्जाम्पल ऑफ अ वेब एप्लीकेशन, कि आप जो डेटा सेंड कर रहे हो इट इज़ गोइंग इन एज अ बाइट स्ट्रीम, सो मे बी जस्ट अ मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज़ जीरोज एंड वंस, तो ये यूज़र को अगर हमें एज इट इज़ दे देंगे तो इट वॉन्ट बी एबल टू रीड इट और अंडरस्टैंड वट इट इज़ राइट। सो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस आना पड़ेगा इन टू दिस ऑब्जेक्ट फॉर्म जहाँ पे वो क्लियरली मैंशनड है, एंड फिर उसको जो हमारा HTML है वो उसको और ज़्यादा ब्यूटिफुल वे में वो शो कर देगा इन द फ्रंट एंड राइट। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ डी सीरियलाइजेशन, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड डेटा फाइंड फॉर्म करते हो फ्रॉम अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। जेसन इज़ द मोस्ट यूज फॉर्म करेंटली। जेसन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से हम स्टोर कर रहे होते हैं डेटा को राइट इन दिस वे, एंड ऐसा लाइन फॉर्म में रहता है। सो दिस इज हाउ जेसन डेटा इज लुक्स लाइक एंड इट इज सेंट। सो दिस इज टू हेल्प अस अंडरस्टैंड की सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है राइट। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मे बी इट्स अ पाइथन क्लास ऑब्जेक्ट या फिर जावा जावा में हमने लिखा है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में, जिसको हम किसी फाइल में भी सेव कर सकते हैं इजिली, मेमरी में भी रख सकते हैं एंड डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं इफ़ यू हैव एक्सटर्नल डेटाबेस देयर।
एंड अगेन अगर जब मैं इस डेटा को एज अ फाइल फाइल से डेटाबेस से या फिर मेमोरी से अगर मैं उठा रहा हूँ राइट, इस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को मैंने लिया एंड इस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को दोबारा से मैंने इस ऑब्जेक्ट फॉर्म में कर दिया, सो दिस इज नोन एज डी सीरियलाइजेशन. सो सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन क्लियर है राइट? ओके. सो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, द प्रॉब्लम इज कि सपोज आपने एक सीरियलाइज फॉर्म में एक डेटा भेजा एंड वो सर्वर पे गया राइट. सो जस्ट अ मिनट. ये सर्वर है एंड सपोज यहाँ से ये डेटा जा रहा है इस सर्वर में एंड 10 10 11 समथिंग लाइक दिस. एक बाइट स्ट्रीम आपने एक सीरियलाइज फॉर्म ऑफ डेटा भेजा, सर्वर ने क्या किया उसको डी सीरियलाइज किया एंड उस डेटा को यूज़ कर लिया राइट. सो एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक यूज़र का कार्ड डिटेल्स है राइट, कि उसने कुछ प्रोडक्ट खरीदना है. सो मे बी कितने पीसेज है, क्या प्राइस है, सपोज 200 300 एंड ऐसे करके उसके कार्ट का डिटेल्स गया. सो जब ये डिटेल्स गया ना तो मे बी यूज़र ने क्या किया, यहाँ से जब जाएगा वे तो करेक्ट डेटा है बट बीच में हैकर ने क्या किया कुछ करके इस सीरियलाइज डेटा को चेंज करके एक अपना सीरियलाइज फॉर्म बनाया जो कि यहाँ से डी सीरियलाइज हो सके एंड वहाँ पे उसने क्या चेंज किया कि ये जो कार्ट में इस ऑर्डर का वैल्यू है ना इसको 20 कर दिया. सपोज मैंने इसको 20 कर दिया एंड सीरियलाइज करके मैंने डेटा भेज दिया उधर सर्वर पे, सर्वर ने क्या किया इसको डी सीरियलाइज किया जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में बना एंड वहाँ पे क्या डेटा है राइट, दिस इज द आइटम, दिस इज इट्स आईडी एंड दिस इज इट्स प्राइस, सेम एज इट इज उसने डेटाबेस में भी ये सेम चीज रिफ्लेक्ट करा दी, अपडेट करा दी. या फिर मान लो यहाँ से जो कार्ड से डिटेल्स आता है उसके बेसिस पे आप एक पेमेंट फॉर्म जनरेट करते हो यूजर के पास जहाँ पे यूजर जाके पे कर रहा होता है. सो वहाँ पे अगर मैं 20 रुपीज यहाँ से मैंने भेजा एंड सर्वर ने अगर उसी को इम्प्लीमेंट कर डीसीरियलाइज करके जो कार्ट में मेरा वैल्यू बनाया, जो पेमेंट गेटवे पे मेरा वैल्यू बनाया दैट इज ओनली 20, सो आई एक्सप्लॉइटेड द डीसीरियलाइजेशन राइट. सो इस चीज़ को हम कहते हैं इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन. यहाँ पे क्या करते हैं कि अनट्रस्टेड सोर्सेज से अगर कोई सीरियलाइज डेटा आ रहा है एंड उसको अगर हमने प्रोसेस कर दिया विदाउट चेकिंग दैट वेदर इट इज हार्मफुल और नॉट, सो दैट इज नोन एज इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन. यहाँ पर अटैकर्स क्या करते हैं, मैनिपुलेट करेंगे सीरियलाइज डेटा को टू एग्जीक्यूट सम आर्बिट्री कोड राइट, कि अगर उसको कुछ कोड रन करवाना है सो फॉर दैट रीजन दे डू इट एंड दे टैम्पर विद द एप्लीकेशन लॉजिक टू गेन द अनऑथराइज एक्सेस राइट. कि अगर आपने सपोज आपने कमांड रन करवा दी पीछे इन द फॉर्म ऑफ अ सीरियलाइज डेटा जो कि गया एंड उसको सर्वर ने डी सीरियलाइज किया एंड पीछे कुछ कमांड रन हो गया राइट. सो इससे क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, इससे RCE हो सकता है, रिमोटली आप कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो बिकॉज सर्वर इज डी सीरियलाइजिंग द डेटा राइट. उसके बाद आप DOS करवा सकते हो कि आपने सपोज कुछ ऐसा चीज़ रन करवा दिया जिससे बहुत ज़्यादा रिसोर्स हेवी हो गया एंड द सर्वर स्टॉप्स वर्किंग देयर. देन यू कैन ऑल्सो टेम्पर विद द डेटा, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि उसने अगर कार्ड वैल्यू को चेक नहीं किया राइट, उसने डेटाबेस में चेक नहीं किया या फिर उसने वैलिडेट नहीं किया कि वो सही है या नहीं, तो आपने ऐसे डेटा को टेम्पर किया. After that, you can also do some privilege escalation with this insecure deserialization के साथ. So this is basically what happens in insecure deserialization, right? Actual source जो है, वहाँ से एक serialized object आता है, stream of bytes बनके, and server पे आके, backend पे वहाँ पे deserialize हो रहा है, right? The application is trusting the attacker source. Suppose यहाँ पे एक्चुअल सोर्स की जगह अटैकर ने अपना बना दिया, उसने इसी तरीके का सीरियलाइज डेटा बनाया जो कि डी सीरियलाइज हो जाएगा एप्लीकेशन साइड पे राइट. बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर जब डी सीरियलाइज हुआ वहाँ पे कुछ एक्शन हो गया राइट, मे बी सम डेटा इज स्टोलन फ्रॉम दैट साइड और मे बी सम रिमोट कोड इज एग्जीक्यूटेड विच कॉज द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट इट कैन कॉज. सो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. पाइथन में एक लाइब्रेरी आता है पिकल राइट. सो पिकल यूज़ करके हम क्या करते हैं, सीरियलाइज करते हैं, डीसीरियलाइज कर सकते हैं राइट. सो पिकल यूज़ करके यहाँ पे हमने एक कोड जनरेट किया राइट. हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करवाया
दैट मीन्स हमने यहाँ पे एक कमांड यहाँ पे रन करवाई, दैट इज़ फॉर एनकैट, एंड हमने क्या किया, रिवर्स शेल एक्सेस लिया, राइट? हमने ऑलरेडी रिवर्स शेल एंड बाइंड शेल के बारे में पढ़ा हुआ है. सो हमने यहाँ पे एक कमांड है जो कि हमें रिवर्स शेल एक्सेस करने में हेल्प करता है. सो उसको मैंने क्या किया, सीरियलाइज किया यूजिंग पिकल लाइब्रेरी, एंड फिर उसको मैंने बेस 64 एनकोड कर दिया. सो वंस आई हैव एनकोडेड इन बेस 64, सो यहाँ पे इट लुक्स लाइक दिस. सो अभी अगर किसी ऐसे एप्लीकेशन में मैं जाऊँ जो कि डी सीरियलाइज कर रहा हो यूजिंग दिस पिकल लाइब्रेरी इन द सेम वे, राइट? तो उस केस में क्या होगा कि वो इसको डी सीरियलाइज कर पाएगा एंड यू विल बी गेटिंग अ रिवर्स शेल आउट ऑफ इट. एंड इट डिपेंड्स कि अगर आप सही से आपको डी सीरियलाइज डेटा आपको जनरेट करना पड़ेगा, जो सीरियलाइज स्ट्रिंग है वो होना पड़ेगा कि वो डी सीरियलाइज हो जाए इन द बैक एंड, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टूल दैट यू कैन यूज फॉर आवर लर्निंग, विच इज़ ओएस वेब कोड. सो वेब कोड क्या है, एक जावा बेस्ड फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन है जिसमें इंटेंशनली बहुत सारी वेब रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटीज इंजेक्ट करी गई है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इनसिक्योर डीसेरलाइजेशन एंड इंजेक्शन एंड अदर वल्नरेबिलिटीज आर एडेड इन टू इट. सो इसमें क्या होता है, आपको अलग अलग रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटीज के ऊपर ना एक्सरसाइजेस मिलते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द वल्नरेबिलिटीज वर्क, हाउ यू कैन एक्सप्लॉइट दोज थिंग्स, एंड इट हेल्प्स यू टू लर्न अबाउट दोज थिंग्स, राइट? सो यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड लर्न मोर अबाउट इट, राइट? एंड कैसे इसको यूज करना है दैट इज ऑल्सो मैंशनड हियर. सो जस्ट अ मिनट. सो यहाँ पे आप लेसन्स में जाके आप लेसन्स के बारे में पढ़ सकते हो क्या क्या लेसन्स है, एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द स्टार्ट सेक्शन, एंड स्टार्ट में आपको बताया जाता है कि आपको कैसे रन करना है. सो इसका सिंपल डॉकर इमेज अवेलेबल है एंड इन इट इज़ लोकेटेड हियर webgod/webgod. सो अगर आप इस कमांड को रन करते हो डॉकर रन इट, एंड पोर्ट मैपिंग आपको करना पड़ेगा अगर आप लोकल होस्ट पर उसको एक्सेस करना चाहते हो. अगर आप पोर्ट मैपिंग नहीं करते हो तो यू कैन गो टू द डॉकर्स आईपी एड्रेस एंड फिर वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट? एंड अगर आपको रीयूज करना है तो यू कैन गिव इट अ नेम एंड देर आर अदर इंस्ट्रक्शन एज वेल. सो वैन यू ट्राई यूजिंग इट, सो आप यहाँ से इस कमांड को यूज़ करके आप उस डॉकर इमेज को रन कर सकते हो, डॉकर कंटेनर रन हो जाएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद इट. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एक्सप्लॉयट द डी इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन वल्नरेबिलिटी. सो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ सबसे पहले तो, एंड ये है ना ऑफिशियल डॉकर हब से भी मैं इसको रन कर सकता हूँ. सो मैंने डॉकर हब से ये कमांड लिया है एंड देर इज़ अ स्लाइट चेंज इन द कमांड, राइट? तो यहाँ पे मैंने एंड में क्या किया ना, मैंने टाइम जोन डिफाइन करा है, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे मैंने टाइम जोन सेट कर दिया है यूरोप एम्स्टरडेम में, एंड इसको कोई भी टाइम जोन सेट कर सकते हो, बट देर इज़ अ कैच टू इट, राइट? कि क्यों हम ये कर रहे हैं, वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर. सो फॉर नाउ वी हैव स्टार्टेड द डॉकर कंटेनर, वी आर रनिंग द डॉकर कंटेनर नाउ. सो इट थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये पुल करके रन कर रहा होता है, राइट? सो इट टेक्स सम टाइम टू गेट स्टार्टेड, सो यू नीड टू वेट फॉर दैट टाइम. सो नाउ मैं लोकल होस्ट पे पोर्ट नंबर 8081 पे जाके 8080 पे जाके मैं इसको विजिट करूँगा, एंड जो इसका मेन राउट है ना वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको. यू हैव टू गो टू द स्लैश वेब गोट राउट एंड देर यू विल फाइंड द एप्लीकेशन. सो ये इसका होम पेज है एंड इट विल जस्ट टेक्स इट्स टेकिंग सम टाइम टू गेट रनिंग, एंड नाउ यू कैन रीलोड इट टू फाइंड इट. सो नाउ इट इज़ देयर, राइट? सो इस तरीके का आपको एक लॉग इन पेज मिलेगा, राइट? एंड इफ़ यू सी दैट डॉकर लॉग्स, वहाँ से आपको एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड भी मिल जाएगा, बट यू कैन ईजिली रजिस्टर योर सेल्फ एज अ न्यू यूजर एंड वहाँ से आप इजिली लॉग इन कर सकते हो यहाँ पे, राइट? सो लेट्स सी हाउ यू कैन डू दैट. एंड यहाँ से मैंने यूजर नेम पासवर्ड सेट किया एंड देन यू कैन जस्ट एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन यू कैन साइन अप. सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू DBWA और जूस शॉप. यहाँ पे हमने साइन अप किया एंड देन यहाँ पे आपको इंटरफेस का आ जाएगा कुछ ऐसे, एंड हियर यू कैन सी देर आर डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज दैट आर देयर, लाइक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स, इंजेक्शन, राइट? विच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड यहाँ पे जो
है ना, सॉफ्टवेयर डेटा एंड इंटीग्रिटी, इस कैटेगरी के अंदर अगर हम आते हैं, सो हियर यू कैन सी वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ इनसिक्योर डी सीरियलाइजेशन. सो लेट्स सी वॉट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव देयर. एंड इस पे जो बेस्ट थिंग है ना, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया गया है, एंड यहाँ पे आपको एक दो स्लाइड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाता है पहले कि क्या है वो वल्नरेबिलिटी, कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट इट, राइट. सो दिस लेसन डिस्क्राइब्स दैट व्हाट इज सीरियलाइजेशन, हाउ इट कैन बी मैनिपुलेटेड, एंड क्या क्या गोल्स है कि यूजर क्या क्या सीखने वाला है यहाँ से, राइट. एंड क्योंकि इसका बैक एंड जावा पे है, तो यहाँ पे जो भी सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन हो रहा होगा वो जावा के लिए है. सो वी विल सी हाउ दैट वर्क्स. एंड यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटिंग डी सीरियलाइजेशन इज स्लाइटली डिफरेंट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करके वो जो पेलोड जनरेट करना है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, राइट, कि कैसे जनरेट होगा, बट द बेसिक आइडियाज आर मोर लेस सेम. सो नाउ इफ यू कम हियर इट एक्सप्लेन्स कि डी सीरियलाइजेशन क्या होता है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि अफेक्टेड है इससे, राइट. एंड हियर यू कैन सी द एफेक्टेड पेलोड, राइट. सो इस जो एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे पीछे एक कोड है जहाँ पे एक जावा का क्लास है विच इज नोन एज द वल्नरेबल टास्क होल्डर एंड इट इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल. सो ये एक सीरियलाइजेबल क्लास है, तो इस क्लास को जब आप इंस्टेंशिएट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, सो देयर यू कैन एक्चुअली एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ वल्नरेबल टास्क होल्डर. यहाँ पे आप टास्क नेम ऐड कर सकते हो कि क्या टास्क आपको ऐड करना है, क्या एक्शन वो टास्क करेगा, आप वो सब कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट देर इज अ फंक्शन नोन एज रीड ऑब्जेक्ट, एंड इफ यू गो देयर इन द रीड ऑब्जेक्ट फंक्शन, सो रीड ऑब्जेक्ट में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे कि इट एग्जीक्यूट्स एंड इट ब्लाइंडली एग्जीक्यूट कर रहा है कोई कोड, राइट. कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसा कोड आप इंजेक्ट कर सकते हो ना जो कि यहाँ पे टास्क नेम एंड टास्क एक्शन फील्ड में, यहाँ पे अगर आप कोई भी ऐसे अपना कोड डाल दोगे जो कि यहाँ पे जाके एक्सप्लॉयट हो सकता है. सो दैट इज़ आवर आइडिया कि इस वाले पार्ट को हमें एक्सप्लॉयट करना है, एंड यहाँ पे एक डमी एक्सप्लॉयट भी हमें दिया गया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स गो अहेड, हम देखेंगे कि कैसे एक्सप्लॉयट करना है. एंड फाइनली दिस इज़ द चैलेंज पार्ट, राइट. तो यहाँ पे आपको एक इनपुट बॉक्स दिया गया है जो कि सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स को लेता है, राइट. यहाँ पे Base64 एनकोडेड आते हैं जो सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट आता है एज अ स्ट्रिंग, एंड फिर उसको वो पीछे डी सीरियलाइज करता है एंड कुछ काम वहाँ पे वो जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है. सो अगर हम इस जो यहाँ पे एग्जाम्पल स्ट्रिंग हमें दिया गया है इसको अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट. सो मैंने सबमिट किया यहाँ पे, and it is saying that it is not a vulnerable object, right? Because इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, तो just to check कि कैसे output आता है and all those things, right? So मैंने यहाँ पे किया, so it is not going to do anything. It is a plain string and it is harmless, right? So you can try again with a right object. And हमारे को challenge यहाँ पे क्या है कि we need to change this serialized object and मुझे एक अलग object यहाँ पे डालना है जिससे क्या होगा कि पेज को ना 5 सेकंड के लिए डिले कर देगा रिस्पॉन्स को. दैट मीन्स पीछे कुछ ऐसा कमांड डालना होगा कि 5 सेकंड के लिए ब्राउजर कुछ जो सर्वर है कुछ रिस्पॉन्स ना दे, कुछ ना करे, एंड आफ्टर 5 सेकंड्स इट शुड स्टार्ट वर्किंग, राइट. सो दैट इज वट वी आर गोइंग टू डू हियर. सो लेट्स गो अहेड विद इट. एंड हियर मेरे पास ना यहाँ पे दो जावा के प्रोग्राम, जावा के क्लासेस मैंने लिख रखे हैं, राइट. build exploit and the vulnerable task holder. So vulnerable task holder को open करते हैं. So as you can see यहाँ पे जो है ना serialized version का ID mentioned है and कुछ अलग अलग options है, right, कि task name, task action. So ये वो code है जो हमें already वहाँ पे provided था. So this is the same code that was present there. एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कैसे टास्क को रिटर्न करता है, राइट, कि टास्क का एक्शन का नेम, टास्क एक्शन एंड देन द एग्जीक्यूशन टाइम. एंड यहाँ पे एक कैच है, राइट, कि ये एग्जीक्यूशन टाइम को चेक करता है कि वो जो सीरियलाइज्ड जो हमारे पास स्ट्रिंग है अगर वो 10 मिनट पहले या फिर 10 मिनट से पुरानी अगर स्ट्रिंग है तो इन दैट केस इट विल नॉट रन. सो इट हैज़ टू बी विद इन द 10 मिनट्स एंड दैट. सो यू कैन गो एंड सी देयर. एंड यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक उसको स्लीप कर देता है अगर ऐसा कुछ एरर आ जाता है तो फॉर 10 मिनट्स. सो दिस इज़ द रीड ऑब्जेक्ट मेथड जहाँ पे जाके हम लोग उसको कोई भी एक कमांड रन करवा सकते हैं इजिली, राइट. सो नाउ दिस इज़ माई एक्सप्लॉयट
एंड बेसिकली दिस इज द एक्सप्लॉयट दैट वी हैव रिटन. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू जनरेट द पेलोड, सीरियलाइज पेलोड ये जनरेट करेगा यूजिंग दैट पर्टिकुलर वल्नरेबल क्लास, राइट. सो मुझे इस उस पर्टिकुलर क्लास का ही चाहिए, अदरवाइज इट वोंट बी एबल टू डीसीरियलाइज इट, वहाँ पे वो काम ही नहीं करेगा, राइट. वो सेम क्लास का होना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट. सो फॉर दैट रीजन मैंने एक न्यू वल्नरेबल टास्क होल्डर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया, जो क्या करता है वो यहाँ पे मैसेज में हम कुछ भी लिख सकते हैं. दिस इज सिंपली अ नेम, दिस इज द मेन टास्क. तो यहाँ पे स्लीप 5 मीन्स कि 5 सेकंड्स के लिए स्लीप कर देगा वो सर्वर को, सर्वर विल नॉट डू एनीथिंग. दिस इज वट इट इज गोइंग टू डू. एंड उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये एक बाइट्स एरे जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स बाइट स्ट्रीम जनरेट कर रहा है टू सीरियलाइज इट. एंड उसके बाद फाइनली उसको बेस 64 एनकोड कर रहा है, बिकॉज हमने वहाँ पे देखा था कि देयर इट वॉज एक्सपेक्टिंग अस टू एंड गिव बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग. तो यहाँ से हमने बेस 64 एनकोड किया एंड फाइनली ये प्रिंट कर देगा उस बेस 64 एनकोडेड एक्सप्लॉयट को जो हमने जनरेट किया है, राइट. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो कोड हमें प्रोवाइडेड किया है उसको यूज़ करके ही हमें यहाँ पे पेलोड जनरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे हम इसको वर्क नहीं करवा पाएंगे, राइट. बिकॉज देयर वॉज अ सीरियलाइजेशन आईडी दैट वॉज मैंशनड दैट हैड टू मैच, एंड उस सेम ऑब्जेक्ट का होना चाहिए क्लास जो हमारा सीरियलाइज है, राइट. नहीं तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा तो इट विल नॉट वर्क देयर. सो नाउ वी हैव दिस डॉकर फाइल एज वेल. तो हमने क्या किया ना, जावा के रन टाइम में अगर आपको जावा इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में तो इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, राइट. तो वहाँ पर जाके आप जावा के पहले इंस्टॉलेशन करो एंड उसके बाद आप कंपाइल करके रन करो तो ये डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा डॉकर इमेज बनाया, यहाँ पर मैंने जावा बेस्ड JDK बेस्ड मैंने यहाँ पर डॉकर इमेज बनाया है जिसका वर्जन मैंने लिया है 21, राइट. फाइनली उसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारे पास दो जावा प्रोग्राम्स थे उनको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, एंड देन सबसे पहले मैंने उनको कंपाइल किया एंड फाइनली मैंने रन किया, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर. सो वंस वी हैव डन दैट, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उस डॉकर इमेज को बिल्ड करना है, डॉकर कंटेनर को फिर रन करेंगे, एंड जैसे ही वो रन होगा ना वो कंपाइल करेगा एंड हमें पेलोड जनरेट करके देगा. सो नाउ क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग का इशू है, राइट, कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर होना चाहिए जो करंट सर्वर टाइम है उसके 10 मिनट्स के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए वो सीरियलाइज्ड हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है. सो फॉर दैट रीज़न मैंने दोनों डॉकर इमेजेस पे, दोनों डॉकर कंटेनर्स पे टाइम जोन मैच करने के लिए मैंने सेम टाइम जोन वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया एंड आफ्टर दैट आई एम रनिंग इट. सो आई एम जस्ट गोइंग देयर इन द फोल्डर एंड एक बार हम एक्सप्लॉयट फोल्डर के अंदर आ गए. सो नाउ वी विल डॉकर उस डॉकर बिल्ड टी to build the image, right. So अब मैंने exploit को build किया and now I will just run the docker container, right. So now it is building it. So it will take some time to build the docker image and नाउ इट हैज सक्सेसफुली बिल्ड इट. सो अभी हमें क्या करना है, अभी हम रन करेंगे इस डॉकर इमेज को. सो दिस इज द कमांड जिसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉकर इमेज को रन कर रहे हैं. सो डॉकर रन जावा एक्सप्लॉयट एंड मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि कौन से टाइम जोन पे ये काम कर रहा है, राइट. एंड देन जस्ट सिंपली ओके, सो देयर वाज अ मिस्टेक कि डॉकर इमेज का नाम हमें एंड में डालना होता है एंड नाउ वी विल स्टार्ट द कंटेनर. एंड यहाँ पे हम देख सकते हो कि मेरे पास जो है बेस 64 एनकोडेड यहाँ पे मेरा पेलोड जनरेट हो गया है, राइट. सो द एक्सप्लॉयट इज जनरेटेड. सो नाउ आई विल जस्ट गो हियर एंड अभी मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा इसको एंड वंस यू पेस्टेड इट आप इसको सबमिट करो एंड देन देखो 5 सेकंड के लिए इसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड आफ्टर फास्ट 5 सेकंड्स सिंस क्योंकि 5 सेकंड के लिए उसने स्टॉप करवा दिया था. सो वी गॉट दिस सक्सेस मैसेज दैट वी हैव एक्चुअली डन इट. सो जस्ट सो अब देख सकते हो अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा सर्वर से एंड आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स वी गॉट द रिस्पॉन्स, राइट, दैट वी हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द असाइनमेंट. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो नाउ वी कैन ऑल्सो गो एंड डीकोड द बेस 64 एनकोडेड टेक्स्ट कि वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, राइट. यू कैन बेसिकली पेस्ट इट हियर. सो इसको आप यूज़ कर सकते हो डिकोड करने के लिए अगर आपको वहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डीबग वगैरह करने का टाइम यू कैन यूज इट बेसिकली. सो इन दिस वे इट सेज देयर, राइट, कि यहाँ पे टास्क नेम है एंड दिस इज द टास्क दैट वी आर गिविंग इट. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लॉयट एन इनसिक्योर
deserialization vulnerability. So now let's talk about XML, right? XML का नाम सुना है किसने इससे पहले? HTML, XML, HTML तो सुना है, but XML सुना है? So XML क्या होता है ना? XML किस लिए use होता है? बताओ. Okay. So idea ये है ना कि XML को भी use करते हैं जब हमें data transfer करना होता है, right? From the server to the client side, जब हम कुछ भी data send कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे XML format भी use करते हैं. जैसे हम JSON format में करते हैं, तो वैसे पहले XML में भी होता था. अभी भी कभी कुछ कुछ websites XML format में वो data को send करते हैं. तो ये क्या करेगा? Encode करेगा documents को in a readable way, जो कि both humans के लिए भी और machines के लिए भी काफी readable रहता है, right? जैसे आप देख सकते हो, कुछ कुछ ये HTML की तरह भी है, आप कह सकते हो इसको, because यहाँ पे भी HTML की तरह ऐसे tags form में लिखते हैं हम. एंड जैसे यहाँ पे मैंने ये फिर टैग लिखा है, एंड देन यू क्लोज द टैग एज वेल, राइट? बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है HTML के साथ, कि ये जो टैग्स है ना, ये फिक्स नहीं है. ये आपके हिसाब से आप कस्टम अपना टैग्स बनाते हो, एंड उसके अंदर फिर आप ऐसे टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हो तो, राइट? जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रवि टू रवि देर इज अ रिमाइंडर दैट ही इज सेंडिंग, एंड इट सेज दैट मीटिंग एट 8 AM. तो यहाँ पे ये जो भी है, दीज आर नॉट फिक्स्ड, यू कैन कन्वर्ट चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू. आप अपने हिसाब से यहाँ पे टैग्स बना सकते हो. सो यहाँ पे नेस्टेड रहते हैं, राइट? एलिमेंट्स एक के अंदर एक के अंदर एक रहता है. और इसके फायदा क्या होता है ना, जब ये फ्रंट एंड में जाता है तो एक बहुत बढ़िया एक ट्री फॉर्म में पूरा डेटा रहता है. सो बहुत ईजी रहता है वहाँ से डेटा को पार्स करना, राइट? एंड इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड क्रॉस टेक्नोलॉजीज, सो इट इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. तो आप अलग अलग मशीन्स पे यूज़ कर सकते हो इसको, एंड इट कैन बी वैलिडेटेड अगेंस्ट स्कीमास, राइट? सो इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए दैट वेदर इट इज़ इन द करेक्ट फॉर्मेट और नॉट, देर इज डिफरेंट स्कीमास, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, राइट? सो वहाँ पर मैंशन रहता है कि क्या क्या यहाँ पे जो जो टैग्स हमने मैंशन किया है, या यहाँ पर अगर हमने कुछ और एट्रीब्यूट्स मैंशन करना है, तो उसको पहले से हम प्रीडिफाइंड रख सकते हैं, जिससे कि अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इट इज़ नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट और इट इज़ नॉट हैविंग द करेक्ट टैग्स. कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नहीं होना था, राइट? तो अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या होता है. हमने समझा कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम वैलिडेट करते हैं कि जो हमारे पास XML का डेटा आ रहा है, वेदर इट इज़ इन द करेक्ट स्ट्रक्चर और नॉट, कि कुछ टैग्स ऐसा तो नहीं है कि जो हमें नहीं चाहिए था, राइट? सो ये डिफाइन कर देता है आपके XML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को, कि यही टैग्स होने चाहिए, राइट? एंड ऑल दैट. एंड आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो विथ एन ऑप्शनल डॉक टाइप एलिमेंट, राइट? सो हम एक डॉक टाइप एलिमेंट लिखते हैं जहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि क्या इसका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है. एंड इसको आप इंटरनली लिख सकते हो कि आपके XML फाइल में आप मेंशन कर सकते हो, या फिर आप एक्सटर्नली कहीं और पे रख सकते हो एंड वहाँ से आप इसको लोड कर सकते हो, राइट? फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. या फिर आप हाइब्रिड भी कर सकते हो कि कुछ पार्ट आपने इंटरनली भी मेंशन किया एंड फॉर सम अदर टैग्स आपको अगर उसको लेना है. सो इसको एक्सटर्नली रखने का नीड क्या है कि आप सेंट्रलाइज वे में उसको मैनेज कर सकते हो, राइट? कि अलग अलग XML फाइल्स में अगर आपको सेम DTD यूज़ करना है, सो इन दैट केस यू कैन यूज़ इट. एंड इस तरीके से हम लिखते हैं, राइट? वी राइट डॉक टाइप एंड देन वी मैंशन द वर्ड फॉर दैट, एंड उसके बाद हमने एंटिटी, उसके बाद क्या एंटिटीज है उसमें मैंशन, सो ऑल दोज थिंग्स वी डिफाइन देयर, राइट? सो कस्टम एंटिटीज भी आप डिफाइन कर सकते हो. सो वी विल अंडरस्टैंड वट एंटिटीज आर इन मोर डिटेल्स इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. सो एक्सटर्नल एंटिटीज को आप डिफाइन कर सकते हो जो कि आपको कॉल करेगा. सो बेसिकली एंटिटीज क्या होता है ना, सपोज सो लाइक आई हैव दिस एग्जाम्पल हियर, राइट? सपोज जैसे यहाँ पे ना राज है. सो इसकी जगह पे अगर मैं ऐसा करता कि मे बी यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैंने कुछ और टैग भी लगाया है, मे बी फू, एंड यहाँ पे भी मुझे राज लिखना था, राइट? और ऐसे अगर मेरे को मल्टीपल जगह पे मुझे ये वर्ड राज यूज करना है, सो आई कैन आइदर रिपीटेडली यूज दिस टेक्स्ट और आई कैन डिफाइन इट, राइट? जैसे मैंने वहाँ पे डॉक टाइप मेंशन किया, डॉक टाइप, एंड यहाँ पे मे बी मैं नाम दे दूंगा, से नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट? एंड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन इसको डिफाइन कर दिया दैट राज. सो अब जब भी मैं यहाँ पे एम्परसेंट करके अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, सो इट विल ऑटोमेटिकली टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू, राइट? ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर किया था, तो वहाँ पे मैं उसको ऐसे यूज कर सकता हूँ. सो दिस आर डिफरेंट एंटिटीज दैट आर प्रेजेंट देयर, एंड एंटिटीज को आप कभी कभी बाहर से भी आप लोड कर रहे होते हो, राइट? एक्सटर्नल सोर्सेज से आप लोड कर रहे होते हो, या फिर वो इंटरनली आप डिफाइंड भी रखते हो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
अपने DTD के अंदर अगर मुझे इंटरनली रखना है, राइट, फॉर दिस रीजन, लाइक डॉक टाइप, यहाँ पे मैंने फू लिखा एंड यहाँ पे मैंने एंटिटी लिख के उसके बाद माई एंटिटी एंड देन मैंने उसको डिफाइन किया यहाँ पे. सो दिस इज हाउ यू डिफाइन योर एंटिटी दैट यू वॉन्ट टू यूज. या फिर अगर आपको एक्सटर्नली उसको रखना है तो आप उसको आइदर किसी URL से यूज कर सकते हो, राइट. सो फॉर दैट हियर यू राइट एंटिटी, देन एक्सटर्नल के लिए EXT लिखते हैं एंड सिस्टम कीवर्ड यूज़ करते हैं हम. उसके बाद हम उस URL को मेंशन करते हैं कि कहाँ पे वो है, और अगर वो किसी फाइल में है ना तो वहाँ पे हम ऐसे फाइल का पाथ देंगे तो उस फाइल पाथ से भी वो जनरेट करके हमें देगा, राइट. सो दिस इज द आइडिया ऑफ द एंटिटीज एंड एक्सटर्नल एंटिटीज. सो अभी ये जो एक्सटर्नल एंटिटीज है हम देख रहे हैं इसको किसी और वेबसाइट से सर्वर एंड पे उसको लोड करता है, राइट. वो उसको फाइंड आउट करता है एंड देन वो उसको पार्स करता है. सो नाउ हैकर्स एक्सप्लॉयटेड दिस एंड इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन अटैक्स, राइट. सो इसमें क्या होता है कि एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जिसमें अटैकर्स ना अपना इंटरफेयर करते हैं कि किस तरीके से आप XML डेटा को प्रोसेस करते हो. दैट मीन्स जब आप एक्सटर्नल एंटिटीज के लिए वहाँ पे किसी फाइल पे कॉल कर रहे हो या फिर किसी वेबसाइट्स को कॉल कर रहे हो तो उस पार्ट को ये एक्सप्लॉयट करते हैं एंड इट कैन लीड टू वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स. जैसे कि आपके सेंसिटिव फाइल्स को कोई व्यू कर सकता है, राइट, बिकॉज इट हैज़ द राइट टू सी अदर फाइल्स फॉर द एंटिटी. सो आपने अगर वहाँ पे कुछ चेंज कर दिया कि जिससे कि आपका जो फाइल है वो यहाँ पे कॉल कर ले, वो मे बी एक सेंसिटिव फाइल रखा है, उस फाइल को अगर आपने कॉल करने के लिए चेंज कर दिया ना, सो दैट वर्क्स. एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू परफॉर्म सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी बिकॉज ये यहाँ पे ऑलरेडी URLs को कॉल कर रहा है एंड इट कैन ऑल्सो पोटेंशियली एग्जीक्यूट सम रिमोट कोड एज वेल. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप XXE अटैक होता है वहाँ पे हैकर क्या कर रहा है, एक XML पार्सर, XML फाइल भेजेगा जहाँ पे एक XML पार्सर रहेगा जो कि पार्स करेगा वहाँ पे जो भी XML में डेटा सेंड हुआ है एंड उसको पार्स करके वो कोड जनरेट करेगा, कोड रन करेगा या फिर वो उस फाइल को एक्सेस करेगा जो कि ये हैकर चाहता है, राइट. सो द आइडिया इज कि जो XML डॉक्यूमेंट आप सेंड कर रहे हो उस पर आपको पेलोड को बनाना होता है यहाँ पे. सो इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है, राइट. सो सपोज ये एक वेब एप्लीकेशन है एंड ये इसका टारगेट सर्वर है, राइट. दिस इज द वेब सर्वर दैट इट वर्क्स एंड यहाँ पे हैकर के पास एक अपना सर्वर है विच इज़ देयर. सो सबसे पहले हैकर ने क्या किया, हैकर ने आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया कि वेदर इट इज़ वीकली कॉन्फिगर्ड, जो कि XML पार्सर है पीछे सर्वर साइड में, वो वीकली पार्स कर रहा है या फिर वो चेक कर रहा है कि वो क्या पार्स कर रहा है. तो उससे पहले कुछ नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजे, राइट. देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि XML प्रोसेसर रिट्राइव करेगा कुछ एक्सटर्नल एंटिटीज को विद इन द डॉक्यूमेंट टाइप, राइट, एंड XML प्रोसेसर विल फाइंड इट आउट. सो उसने क्या किया, अगर उसने पता कर लिया कि यहाँ पे ये जो वीकली पार्स कर रहा है तो वो यहाँ पे अपना एक क्राफ्टेड XML डेटा सेंड करेगा, राइट, एंड इट विल बी सेंड टू. तो उसमें क्या करेगा कि हैकर के वेबसाइट पे जो स्टोर्ड रखेगा वो अपने वेबसाइट पे एंड उसका URL पार्स कर देगा वो एक्सटर्नल एंटिटी को हम जहाँ पे कॉल कर रहे थे, राइट, इन द डॉक टाइप EXT सिस्टम करके हम जहाँ पे URL मेंशन कर रहे थे. तो वो URL क्या होगा, इस हैकर के सर्वर का URL होगा एंड उसके बाद वेब एप्लीकेशन के पास जाएगा एंड इट विल बी सेंड टू द टारगेट सर्वर. सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को पार्स करेगा एंड मे बी यहाँ से जो भी कमांड्स जाएंगी वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा. सपोज इट माइट बी वांटिंग टू शो सम फाइल्स और मे बी रन सम कमांड्स. सो इस तरीके से काम होता है एंड फिर ये जो डेटा है वो सेंसिटिव डेटा शेयर हो जाता है हैकर के पास डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रिस्पॉन्स जाता है उधर, राइट. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट द XXE वल्नरेबिलिटी एंड फॉर दिस ऑल्सो वी विल बी यूजिंग द एप्लीकेशन दैट वी ऑलरेडी यूज, दैट इज वेब कोड यूज करके ही हम करेंगे इसको भी. सो अगेन द सेम स्टेप्स, वी नीड टू रन द डॉकर इमेज. सो इस केस में ना आप एक चीज नोटिस करना कि मैंने यहाँ पे पोर्ट मैपिंग थोड़ा सा चेंज किया है, दैट आई एम पोपिंग मैपिंग द पोर्ट नंबर 8082 8081 एंड आई विल टेल यू व्हाई आई हैव डन दैट. सो लेट्स गो अहेड. सो नाउ इट विल टेक सम टाइम टू रन द डॉकर इमेज एंड देख सकते हो आप यहाँ पे भी ASCII की हमने यूज किया हुआ है, राइट. सो अभी ये सर्वर रन हो रहा है. सो नाउ वी कैन गो अहेड टू द ब्राउजर एंड स्टिल इट इज नॉट स्टार्टेड टू कम्प्लीटली, राइट, ये स्टार्ट हो रहा है अभी. सो नाउ इफ यू गो देयर एंड अभी लोकल होस्ट 8081 पे जाके जब मैं वेब गोड राउट पे जाता हूँ सो आई कैन एक्सेस द वेब गोड वेब एप्लीकेशन, राइट. एंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग इन पेज पे हूँ बिकॉज आई एम कमिंग हियर फर्स्ट टाइम. सो मैंने अगेन साइन अप किया
एंड यू कैन गिव योर यूजर नेम पासवर्ड्स एंड आफ्टर दैट यू कैन साइन अप. एंड एक बार आप साइन अप हो गए ना, यहाँ पे आपको अलग अलग लेसन्स हैज आई ऑलरेडी डिस्कस की ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन में XXC इज देयर राइट. सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे राइट कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल दैट. बट वी गो टू द फर्स्ट असाइनमेंट दैट वॉज देयर. एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कमेंट ऐड करना है और वो कमेंट आपको ऐसे कुछ ग्राफ्ट करना है जिसको करने के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा XXC इंजेक्शन. जिसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपको ना जो भी रूट डायरेक्टरी में फोल्डर्स है अलग अलग वो सब आपको यहाँ पे दिखने चाहिए राइट. सो दैट्स द आइडिया, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ भी कमेंट करेंगे वो इट विल बी विजिबल टू अस हियर राइट. सो लेट्स ट्राई आउट विद इट. सो आई एम जस्ट राइटिंग हेलो एंड इफ आई सबमिट यू कैन सी यहाँ पे हेलो आ जा रहा है राइट. सो दैट मीन्स कि मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो सबमिट हो रहा है बैकएंड पे एंड वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है. सो लेट्स जस्ट go ahead and open this payload that I have created right. so इसको समझते हैं right. so ये एक XML data है मेरा, यहाँ पर मैंने XML का version define किया है and after that doc type that means मैंने अपना DTD यहाँ पर mention किया and यहाँ पर मैंने एक entity बनाया जिसका नाम है hack and what it is going to do is that it is going to go to this file right. so जो root directory है वो वहाँ पर जाएगा and वहाँ पर जो भी folders listed है ना ये उन सब फोल्डर्स का जो लिस्ट है उसको स्टोर कर रहे हैं हम इस हैक एंटिटी में एंड फिर हम वापस जब भेज रहे हैं राइट इन द टेक्स्ट फॉर्म आई एम जस्ट सेंडिंग इट एज हैक. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. सो अगर अभी मैं इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करता हूँ सो लेट्स सी वेदर सर्वर रनस इट और पार्सेज इट एंड उसके बाद ये काम करता है या नहीं देखते हैं. सो जब मैंने भेजा ना सो देर इज पहले तो यहाँ पे उनका असाइनमेंट का सोल्यूशन इनकरेक्ट का एरर आया हमें विच इज़ फाइन बट यहाँ पे बहुत सारे एरर्स भी आ गए हैं राइट. एंड हम देख सकते हैं कि सम एक्सेप्शंस वेर देयर लिंक टू इट. सो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है पार्सर के साइड पे राइट. सो एक बार दोबारा से कुछ टाइप कर रहे हैं एंड नाउ इफ यू जस्ट गो एंड इंस्पेक्ट एंड सी द नेटवर्क टैब तो यहाँ पे मिल जाता है हमें कि क्या क्या रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर्स को, क्या रिस्पॉन्स है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती है. सो अगेन आई मेड अ रिक्वेस्ट देयर एंड यहाँ पे सिंपल में हम देख सकते हैं दैट इन द रिक्वेस्ट यहाँ पे ना ये रिक्वेस्ट है जो सेंड हो रहा है. सो इट इज़ द XML वर्जन देन कमेंट एंड कमेंट के अंदर टेक्स्ट जो है इसके अंदर हमने जो भी लिखा होता है ना वो सेंड हो जाता है. सो दैट मीन्स कि अगर मैं फील्ड में मैंशन कर देता हूँ कोई भी XML डेटा सो उस केस में वो जो इनपुट जा रही है ना सर के पास वो गलत हो जाएगा एंड दैट्स वाई वी गॉट दैट बिग एरर मैसेज फ्रॉम देयर. सो अभी बताओ कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जब ये डेटा सेंड करेंगे ये रिक्वेस्ट जब हम सेंड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पेलोड है ना जो हमने बनाया है वो पेलोड यहाँ पे सेंड होना चाहिए राइट. XML के बाद यहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल एंटिटी हमने लिया है वो एंटिटी यहाँ पे आना चाहिए. सो इसके बाद प्रॉब्लम क्या है ना दैट मींस कि जब मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ अगर मैं वहाँ पे जाके अपना XML चेंज करता हूँ रीफॉर्मेट करके भेजता हूँ तो वो नहीं कर काम करेगा. हमें इस ट्रैफिक को बीच में से वी हैव टू इंटरसेप्ट इट एंड देन वी हैव टू चेंज दिस कॉन्टेंट. सो बताओ कि इसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, वट इज़ द टूल दैट वी कैन यूज़ टू इंटरसेप्ट दिस पर्टिकुलर ट्रैफिक एंड यहाँ पे अगर मुझे चेंजेस करनी है तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट टूल. नसीम इफ यू आर टाइपिंग देन यू कैन कीप योर हैंड रेज्ड सो दैट आई नो दैट. सो नो आइडिया, ओके लेट्स सी. सो यहाँ पे हमें ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना है एंड वहाँ पे कुछ चेंजेस करना है. सो दैट मीन्स वी नीड अ प्रॉक्सी राइट. सो बर्प यूज़ करेंगे एंड बर्प में भी वी कैन यूज़ बर्प प्रॉक्सी जिससे क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट जाएगा बर्प प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा एंड देयर वी कैन एक्चुअली चेंज दिस पर्टिकुलर पेलोड एंड देन वी कैन कंप्लीट आवर अटैक. सो उसके लिए वी हैव ओपन बर्प हियर एज यू कैन सी हियर राइट एंड प्रॉक्सी भी हमने सेटअप कर लिया. जस्ट अ मिनट. सो नाउ वी आर जस्ट ओपनिंग बर्प एंड
यहाँ पे हमें पता है कि बर्क प्रॉक्सी का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ना, इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 8080। सो दैट्स वाई, सो दैट मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करना पड़े, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या किया था कि जब मैंने एप्लीकेशन को रन किया तो मैंने उसको पोर्ट नंबर 8081 पे मैप कर दिया, राइट। सो जस्ट लेट्स जस्ट कन्फर्म इट विद द प्रॉक्सी सेटिंग्स। सो हम प्रॉक्सी में जाके, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो कि कौन से पोर्ट पे आपको सुनना है, कौन से आईपी एड्रेस पे आपको सुनना है, बट हियर वी वोंट चेंज दैट। यहाँ पे जाके हम ब्राउजर के एंड पे भी प्रॉक्सी सेटिंग्स को सेट कर लेते हैं, राइट। विल जस्ट फाइंड द प्रॉक्सी सेटिंग्स हियर, एंड यहाँ पे जाके हम पोर्ट नंबर देख सकते हैं कि 8080 पे है, एंड वी आर इन द मैनुअल प्रॉक्सी मोड। सो अगर हम अभी कोई इंटरसेप्टर ऑन रखेंगे ना, तो कोई भी ट्रैफिक जाएगा वो बर्क प्रॉक्सी के थ्रू इंटरसेप्ट होके फिर ही जाएगा, राइट। सो वी कैन ऑल्सो डू वन अदर थिंग कि हमने यहाँ पर बर्क का जो ब्राउजर है उसको भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ से भी हम काम कर सकते हैं। सो आई हैव चूजन द बर्क ब्राउजर हियर, एंड अभी के लिए मैंने इंटरसेप्टर मोड ऑन रखा है, सो वी कैन जस्ट कीप इट ऑफ सो दैट आई कैन ईजिली लॉग इन एंड डू ऑल द स्टफ, नहीं तो बार बार ऐसे आ जाता है, राइट। सो आई जस्ट किप्ट इट ऑफ, एंड नाउ आई विल जस्ट सिंपली लॉग इन फर्स्ट, एंड एक बार लॉग इन हो गया आई विल गो बैक टू द एक्सएक्सी पेज, एंड यहाँ पे आने के बाद वी कैन गो टू द लास्ट स्टेप। सो वी कैन गो टू स्टेप नंबर 4, एंड यहाँ पे जाके हम अभी इंटरसेप्टर ऑन करते हैं, राइट। एंड नाउ लेट्स टाइप अनदर मैसेज से हे, मैंने लिखा एंड मैंने सबमिट किया। सो नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे एक्सएक्सी सिंपल पे हम गए ना, तो हियर यू कैन सी कि जो XML में जो क्वेरी, जो XML डेटा जा रहा है ना, वी कैन सी दैट फ्रॉम हियर, एंड यहाँ पे जाके हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। सो विल जस्ट एडिट इट आउट, यहाँ पे हम अपना पेलोड डालेंगे, राइट, एंड अगेन जो डेटा आएगा वो वापस भी इसी फॉर्मेट में आने वाला है, राइट। वी आर गोइंग टू गेट द रिस्पॉन्स एज वेल। सो नाउ फॉरवर्ड किया, एंड इसका जो रिस्पॉन्स आना है उसका वेट करते हैं, राइट। फ्रॉम दिस वी विल गेट द रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी उसके रूट डायरेक्टरी में फाइल फोल्डर्स एंड फाइल्स थे वो हमें यहाँ पे लिस्ट हो गए, राइट। सो अगर मैं ऐसे रूट डायरेक्टरी के फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, सो हियर वी कैन डू सम अदर थिंग्स एज वेल, राइट। वी कैन मे बी गेट डिलीट सम फाइल फ्रॉम देयर, और वी कैन रन सम कमांड्स रिमोटली फ्रॉम हियर, राइट। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लॉइट द एक्सएक्सी इंजेक्शन। अभी इसको करने का ना दो तीन तरीके और भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक बर्प पे हमने प्रॉक्सी इंटरसेप्ट किया एंड हमने कर दिया। अगर आपने प्रॉक्सी इंटरसेप्ट नहीं किया, बर्प ऑन है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट लॉग होते हैं, सो वहाँ से आप बर्प रिपीटर को यूज़ करके भी इस काम को आप कर सकते हो, राइट। रिपीटर पे जाके भी आप एडिट करके आप दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। सो इवन इन दैट वे यू कैन डू इट, बट यूजिंग बर्प प्रॉक्सी इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इंट्यूटिव वे टू डू दिस। सो दिस वॉज अबाउट एक्सएक्सी वल्नरेबिलिटी। एंड यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, राइट। दिस इज अ लैब बाई पोर्ट स्वीकर, सो आप इसको भी जाके ट्राई कर सकते हो, राइट, फॉर एक्सप्लॉइटिंग एक्सएक्सी वल्नरेबिलिटी यूजिंग द टू रिट्राइव सम ऑफ द फाइल्स, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू कैन टू गेट द कॉन्टेंट्स ऑफ द /etc/password फाइल। सो आप ये सेम क्वेश्चन को आप यहाँ से ले सकते हो, एंड यू कैन ट्राई इट ऑन दैट लैब एज वेल, ऑन वेब गोड यू कैन ट्राई टू डू दिस, और यू कैन कम हियर एंड ट्राई दिस। अदर देन दैट वी विल ऑल्सो गिव यू द एक्सरसाइजेज एज वेल। सो दिस इज अगेन हियर, राइट, कि यहाँ पे भी डॉक टाइप पे एंटिटी आपने मैंशन किया कि XXE सिस्टम, एंड देन फाइल आपने मैंशन किया, फाइल का जो पाथ है, एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन एक्चुअली सी कि यहाँ पे आपको जो कॉन्टेंट्स है वो दिख गया, राइट। सो मूविंग ऑन विद द एक्टिविटीज़, तो आज क्या करना है, सबसे पहले तो आपको OWASP वेब गोड एप्लीकेशन को आपको यूजिंग डॉकर रन करना है अपने सिस्टम्स में, Kali Linux में आपको रन करना है, एंड वहाँ पे XXE कैटेगरी में हमने फोर्थ पॉइंट हमने कवर किया, राइट। उसके बाद दो क्वेश्चंस और हैं, सो आप उनको ट्राई कर सकते हो टू सॉल्व देम, एंड देन यू कैन ऑल्सो सॉल्व द इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन असाइनमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द वेब गोड एज वेल। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ फॉर टुडे, एंड इन द लास्ट 15 मिनट्स आप हमें मुझे प्रोग्रेस शो कर देना इन द 1-on-1 सेशन, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड एनीथिंग यू कैन आस्क देयर एज वेल।